तो बताओ मैं सेकंड हैंड लूँ कि मैं न्यू लूँ? स्टैंडर्ड मॉडल मेरे को, स्टैंडर्ड मॉडल मेरे को 1,30,000 का मिला है। बार फिर से स्वागत है आपका चैनल द एक्सप्लोरर में। और बहुत दिनों से ना मैं बाइक की तलाश रहा था, सेकंड हैंड कोई अपने को बुलेट मिल, रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक मिल जाए। लेकिन जब भी सेकंड हैंड गाड़ी देखता हूँ, बाइक देखता हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ में खासकर, तो भाई ग्रीन लाइट थोड़ी बची है, तो अभी बात कम करूंगा आपसे, निकाल के बात करूंगा, यहाँ चलान बहुत जल्दी आ जाता है। तो हाँ मैं कह रहा था, मैं सेकंड हैंड जब देखता हूँ ना तो न्यू से भी ज्यादा रेट मांग रखे भाई। अब स्टैंडर्ड जो बुलेट है उसका रेट आप पता है कितना मिलता है यहाँ पर? अगर कोई 2020-21 मॉडल मिलो 1.5 लाख प्लस ही मिलता है, 145-150 ऐसे मिलता है। और न्यू का रेट क्या चल रहा है मैं अभी चल के बताता हूँ। कई लोग तो है ना जैसे 2022 मॉडल उसका 180 भी मांग लेते हैं, न्यू से भी ज़्यादा। अब मुझे समझ में नहीं आता सेकंड हैंड का इतना ज़्यादा रेट कैसे मांग लेते हैं। तो आज इसी की तलाश करने में जा रहा हूँ नई बाइक देखने, आपको भी दिखाते हैं क्या रेट चल रहा है। 32 का रॉयल इनफील्ड का शोरूम यहाँ पहुँच गए हैं। मेट्योर 650 आया जो सुपर मेट्योर है, उसकी टेस्ट ड्राइव भी देखते हैं अगर मिल जाए तो, बाकी रेट तो जरूर बताई जाता है। ये पर आए थे ना भाई पहले, और कॉन्टिनेंटल में नया कलर आया इंटरसेप्टर में। तो देखो मैं कह रहा था चलिए सर थोड़े बिजी चल रहे थे, हम उस साइड चलते हैं। और सर ने मेरे को पूरी लिस्ट दे दी, मैं आपको रेट बताता हूँ। 650 में बैठ के मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट भी दिखाई देता हूँ आपको। देखो ये सबसे बेस मॉडल है जो स्टैंडर्ड बोलते हैं। देखो 1,37,000 का CSD प्राइस, क्योंकि वी आर एलिजिबल फॉर CSD प्राइस ना। तो अब बताओ मैं सेकंड हैंड लूँ कि मैं न्यू लूँ? स्टैंडर्ड मॉडल मेरे को, स्टैंडर्ड मॉडल मेरे को 1,37,000 का मिल रहा है। और बाहर अगर मैं लेने जा रहा हूँ 2022 मॉडल, तो एक साल पुराना भी 180 मांग रहे हैं यार, कोई मतलब थोड़ा ही। 2020 के 150 मांग रहे हैं, तो मुझे ऑन रोड भी है ना ये 137, मेरे को ऑन रोड भी मैक्सिमम 155 में आ जाएगी। तो ये है भाई। और बताऊँ आपको सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा है आपको 650 मिल जाएगा, ये इंटरसेप्टर जो ये इधर खड़ी है आपको दे रहा, नए कलर में भी आ गई। तो कॉन्टिनेंटल GT 650 2,65,000। और ये जो डिलक्स वाली है ना 272, और क्रोम वाली जो है मिस्टर क्लीन 2,88,000 की। तो इसका भी अगर बाहर रेट देखो तो 4 लाख प्लस बोलते हैं लोग। और ये 650 इधर देख ही रहे हो आप स्पेशल है ना। वैसे अपना सबसे ज़्यादा दिल था मेट्योर लेने का जो 1,75,000 की है, और इसका जो टॉप मॉडल है 195 का सुपरनोवा, पोजे सुपरनोवा 195 की है। और सेकंड हैंड का ही रेट है ना 2,10,20 ऐसे मांगते हैं लोग, जबकि मेरे को ऑन रोड ही पड़ जाएगी 2,10 न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो आप ही बताना, आप बाहर वैसे खड़ी है उसका टेस्ट ड्राइव और लेके देखते हैं कैसी चलती है सुपर मेट्योर 350। ठीक है मेरे को वही सुपर मेट्योर नहीं यार, बाहर खड़ी है मेट्योर जो है 350, उसका टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कैसी चलती है। ठीक है उसके बाद मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, उसके बाद एक आधी बाइक और देखने का प्लान है, मैं रेट वगैरह शेयर करूँगा आपके साथ। और ये कलर शायद कम दिखाई दिया है, वैसे बता रहे हैं कि शुरू से ही आ रहा है, लेकिन इसमें बड़ी प्यारी लग रही है, सुपर मेट्योर है ये, देख रहे हो बड़ा सही लग रहा है यार। और ये बेस मॉडल में बता रहे हैं, बेस मॉडल वाला है। और थैंक यू जी। और उधर वो खड़ा है जो सबसे टॉप मॉडल है ना, आवाज़ सुनो भाई। लो जी कुछ बातों का पता लगा मेरे को यहाँ बैठे बैठे, सर बहुत अच्छे से बताते हैं। वैसे आप भी कभी 32 रॉयल इनफील्ड शोरूम आएंगे तो सर मिलेंगे। सर आपका नाम तो बता दीजिए। संजय। संजय सर मिलेंगे, संजय से कॉन्टैक्ट कर लेना आप। और भाई देखो अपने को पसंद है मेट्योर, चाहे सुपर हो चाहे नॉर्मल। और बाई चांस जो मुझे पसंद थी वो फायरवॉल है, और वो बेस मॉडल है। और CSD से जैसे कि मैं बता रहा था आपको, इसका रेट सिर्फ 175 है, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में रहेंगे तो हम CSD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपने को पड़ेगी 175, और ऑन रोड जाते जाते 195 ऑन रोड आ जाएगी। और यही कलर पसंद है, सब कुछ यही है, फायरवॉल बेस मॉडल में मिल जाता है। ठीक है बाकी और भी बहुत सारी बातें मैंने पूछी है सर से, जो ऑन रोड प्राइस है उसके साथ सब कुछ डिटेल बताइए। वैसे अगर आप लेते हैं बाहर से तो 1,60,000 की स्टैंडर्ड, और अगर जो ये मैं बता रहा हूँ आपको ये फायरवॉल लेते हैं तो फायरवॉल आपको पड़ेगी 2,04,000 की, और अपने को पड़ रही है 175 की, यानी कि 30,000 के आसपास का अंतर है इधर। हम आप इधर से थोड़ा सा रोक के देख लेना आप, पता लग जाएगा।
ऐसी दिखती है, और अगर खड़ी होगी तो अभी सर ये फायर वाल देख सकते हैं रेड कलर वाली, यहाँ पे नहीं खड़ी सर। उधर आपके गोडाउन पीछे टॉप मॉडल खड़ी है, पर यहाँ पे नहीं खड़ी, गोडाउन में तो खड़ी। अच्छा गोडाउन में खड़ी है, यहाँ पीछे भी तो आपका है ना? हाँ, बट यहाँ पे सुपरनोवा ब्राउन खड़ा है ना। अच्छा ब्राउन खड़ा है, ब्राउन खड़ा। एक बार एक नज़र जरूर मारेंगे। बिल्कुल सर, उसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी? अवेलेबल। बस थैंक यू सर, टेस्ट ड्राइव भी लेके जाएंगे। लो जी, आज पता लग जाएगा अपने को कैसी चलती है ये घड़ी भाई। क्रोम ये 193 है, ये जो मेट्योर 350 है ना उससे 2000 रुपये सस्ती है, क्रोम में रेड प्लस है ये। तो इधर दिखाता हूँ आपको, जो ब्राउन कलर की खड़ी है ना वो, ये वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, स्टैंडर्ड ही मान लो इसको, बस 33 की सेल्फ आती है इसमें साथ में। एक्स ऐसा आता था उसमें सेल्फ नहीं आती थी, बस जो सबसे लोएस्ट मॉडल 1,53,000 का दिखा रहे हैं। ये क्रोम है ब्राउन कलर की, और ये है ब्राउन कलर में प्योर चॉकलेट कलर है। हाँ चॉकलेट मान लो, ये पसंद है? नहीं नहीं पसंद अपने को रेड टंकी वाला, ये फायरबॉल, ये टॉप मॉडल है इसमें, और उसमें ना 20,000 रुपये का अंतर है। तो जो एक्सेसरी लगवानी होगी पीछे से हटते हैं ना, जितने प्यारी लग जाती है। हाँ बस वही तो कह रहा ना मेरे को, एक्चुअली कह रहा हूँ बिना एक्सेसरीज के ना वो गजब लगी है। मैं मुझे एक्चुअली थंडरबर्ड एक्स है ना बहुत पहले से पसंद है, और वो जो फायरबॉल है रेड वाली वो थंडरबर्ड एक्स का ही लुक देखती है बिल्कुल, तो इसलिए हम रेड कलर ही चूज करेंगे। 20,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगाने, आप एक्सेसरी बाहर से लगा लेंगे है ना। तो ये इस तरह का, ये पीछे ही शोरूम है, मतलब गोडाउन है शोरूम में। अभी टेस्ट ड्राइव और ले लेते हैं। ये स्टिल्थ ब्लैक है, ये भाई की फेवरेट है, यहाँ खजाना रखते हैं भाई, यहाँ चाबी रखते हैं ना सारी बाइक में बाहर खड़ी। बढ़िया, हेलमेट दो दे दो, हाँ एक साथ बैठ के चला के देखेंगे। एक हेलमेट और लीजिए, हेलमेट रखते हैं। जब आप रॉयल इनफील्ड लेंगे तो एक जैकेट पक्की लेंगे, हेलमेट बड़ी हेलमेट नहीं, हेलमेट भी यहीं से लेंगे एक बढ़िया। और भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, चलो फीलिंग जरूर शेयर करेंगे हमारे साथ। तो मॉडल में देखो ये भी दे दिया दोबारा नेविगेशन मीटर, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं भाई आप दोनों? हाँ भाई हैं, मैंने वैसे देखी तो बहुत बार थी लेकिन चलाई नहीं थी, कैसी फील आ रही है? कोई भी चलाओ सेम वैसी फीलिंग आती है, मीटियर को छोटे वाली हंटर को छोड़ के, छोड़ के हंटर तो बजाज पल्सर, बजाज बॉक्सर थी। हाँ बॉक्सर बाकी ठीक है, क्रूज टाइप फील देती है, क्रूजर है ना, कंफर्टेबल बहुत लग रही है ना। हाँ बहुत कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन जो क्रूज नहीं राइड करता है ना उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसकी ब्रेकिंग वगैरह ढूंढने पड़ते हैं थोड़े, पर एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर उसके बाद मतलब मजा भी आएगा ड्राइव करने में। चलो ग्रीन है थोड़ा खींच के दिखाओ इसको, पिकअप देखते हैं। बट रिफाइनमेंट में अभी ना अभी भी वही है भाई, है वो पहले वाले से बेटर है, बट रिफाइनमेंट की अभी भी जरूरत है। तो किस चीज़ में फील हो, वाइब्रेशन फील हो रही है? वाइब्रेशन भी होती है फिर वही इसका डुक डुक। नहीं इसमें तो सुना है कि अभी तो गिलास भी रख के पूरी रेस दे रहे हैं लोग, बट भाई और इस कंपैरिजन में देखो ना होंडा का, देखो इंजन रिफाइनमेंट के मामले में होंडा का भी अभी अभी मिलेगी वीडियो नेक्स्ट, अभी चलेंगे उसकी भी टेस्ट ड्राइव लेने, कंपेरिजन करके देखेंगे ठीक है। ये तो कुछ विचार थे अपने भाई के, फिर मेरे चलना। चलो जी चेंज करके देखते हैं, मैं चला के देखता हूँ, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं, कैसी फील आती है मेरे को। वैसे लुक वाइज बहुत ज़्यादा पसंद है, नो मैटर्स कि पावर वगैरह कितनी है या वाइब्रेशन कितनी है, लेकिन फिर भी मैं चला के ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं। भाई होल्ड करना, अब ये स्पॉट मिलता है क्या सीट का यहाँ पर, जो सीट है मिलता है ना? मिलता तो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो मिलता है। आ जाओ, अरे वाह यार इसमें छोटे छोटे पैटर्न लगे भाई ये देखो कितने छोटे पैटर्न है। लाइन देखें भाई, ना यार पिकअप तो है यार, पिकअप सेम ही तो, इंजन तो सेम ही है भाई, कंफर्टेबल लग रही है भाई, बहुत कंफर्टेबल लग रही है भाई, मेरे को तो ज़्यादा लग रही है पहले वाले रॉयल एनफील्ड से, तो स्टैंडर्ड के मुकाबले ज़्यादा पिकअप कैसे फील हो रही है, स्टैंडर्ड के मुकाबले कह रहा हूँ। इंजन तो सेम ही है, आपको वैसे फील हो रहा है? और थर्ड गियर में है ना, थर्ड गियर में देखो कितनी कम स्पीड में चल रहे हम, 25 की थर्ड गियर में 25, तो मतलब लो स्पीड पे भी आप क्रूज कर सकते हैं ना, सिटी के लिए बहुत सही है भाई। एक तो दूसरी बात तो ये है ना, पसंद एक तो है ना, तो पहले से ही थी अब और ज़्यादा पसंद आ गई है, आप तो है ऐसे ही मार्केट थी पकड़ ली भाई,
और इसकी एक बार मैं और देख लेता हूँ वेटिंग लिस्ट कितनी है, और फिर इसको है ना एक बार CB3 होंडा हाइनेस है ना, होंडा हाइनेस से और कंपैरिजन करेंगे। वैसे आप एक बार लुक तो देख लो कैसे लगते थे ना। सुपर डुपर कंफर्टेबल है, तो पसंद है भाई, सीधी सी बात है, आप दिल से नहीं उतरेगी। जब भी लेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। इसकी टेस्ट ड्राइव अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है और अपनी फायरवॉल की एक महीने की वेटिंग है, तो जब भी प्रोसेस शुरू होगा तो भैया कह रहे वैसे अवेलेबल जल्दी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली एक महीने की वेटिंग देते हैं। तो चलिए हाइनेस देखें, हाइनेस और कंपैरिजन कर ही लेते हैं ना बाइक जब लेनी है, चाहे हम एक महीने बाद लें या डेढ़ महीने बाद, लेकिन एक बार देख लेते हैं, माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना हाइनेस का और बताते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंपैरिजन का भी पता लग जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा दे पाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।